और इसी बीच जिला प्रशासन ने 300 फर्जी रजिस्ट्रेशन का भी पता लगाया है और इसके चलते एक एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है। डीसी जम्मू ने कहा है कि जो आधिकारिक वेबसाइट है श्राइन बोर्ड की, उसी से अपना पंजीकरण करवाएं। असुविधाओं से बचने के लिए अपना जो यात्रा का परमिट है वो यात्रियों को साथ रखने की अपील की है। और क्या कुछ कहा है देखिए। मेरे हाथ में जो ये पंजीकरण फॉर्म है ये एक्चुअली में फेक है। ये जो पंजीकरण फॉर्म है ये इन यात्रियों के हैं जो अमरनाथ यात्री डिफरेंट जगहों से, ज्यादातर गाजियाबाद और आगरा और बाकी जगहों से हैं, दिल्ली से भी हैं, नोएडा से भी हैं। ये लोग एक्चुअली ठगे गए हैं। उनको जो कुछ लोगों ने इनके सादगी हम कहेंगे या इनकी मासूमियत का फायदा उठा के और जो उनके जज्बात हैं उनकी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करके उनके साथ फ्रॉड किया है और फेक रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स उनको दिए गए हैं। उनका पंजीकरण जो है वो फेक है, एक स्कैम निकला है जिसमें कई लोग, तकरीबन कहा जा रहा है 475 ऐसे यात्री हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तो करवाई थी लेकिन वो फेक निकली और जब यहाँ पे पहुंचे, जम्मू पहुंचे यात्रा में आगे बढ़ने के लिए, तो यहाँ पे उनको रोका गया क्योंकि उनके पास जेन्युइन टोकन नहीं थे। इस पर ये लोग अब बहुत ज्यादा परेशान हैं, गुस्से में हैं और सरकार से फरियाद कर रहे हैं। हम इनसे पूछेंगे, आपका नाम? मेरा नाम नरेश चंद है और मैं गाजियाबाद लोनी का रहने वाला हूँ। हुआ क्या है एक्चुअल में? ये है, हमने रजिस्ट्रेशन कराया था, ये फेक निकला और यहाँ आने पे ही हमें मालूम हुआ कि ये फेक है, ये ऑनलाइन नहीं है रजिस्ट्रेशन। और हमसे प्रशासन से यही विनती करते हैं कि हमारा जो है ये रजिस्ट्रेशन कराकर हमें जल्दी यात्रा के लिए, श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए भेजा जाए, क्योंकि हम कल दोपहर से यहाँ पे आए हुए हैं और कोई भी इसका समाधान नहीं निकल रहा है। आप सभी प्रशासन से अनुरोध है कि हमें जल्दी जल्दी भेजने की कृपा करें। हमारे से टोटल किराया समेत 4500 रुपए लिया गया हर एक बंदे। हाँ, हर एक बंदे से। उसमें उन्होंने मतलब घर से लेकर के और अमरनाथ की यात्रा करा करके, वैष्णो देवी की यात्रा करा के वापस घर तक छोड़ने का हमारे से पैसा लिया गया। उसी में रजिस्ट्रेशन पैसा, हमने कोई एक्स्ट्रा नहीं दिया कि हमने कोई एक्स्ट्रा पैसा दिया, एक्स्ट्रा पैसा कोई नहीं दिया, उतने ही पैसों के अंदर सारा काम हुआ हमारा। तो हमें तो यही पता था कि हाँ कागज ऑनलाइन हो चुके हैं, सब काम हो गए। 2 तारीख का हमारा पहले था, 1 तारीख को निकलना हमारा, और फिर बाद में पता लगा कि आपका ये रजिस्ट्रेशन 1 तारीख का नहीं हुआ है, 2 तारीख का है। आपका नाम क्या है? आनंद कुमार है मेरा नाम। आनंद, आप क्या करने जा रहे हो? जी मैं श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए आया था, पहली बार आया था, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ आया था, लेकिन मैंने उन्होंने इन गाड़ी वालों को पैसे दिए थे 4500 रुपए और उन्होंने ये सब रजिस्ट्रेशन वगैरह की सबकी जिम्मेवारी खुद ली थी और अब इन्होंने हमें, हमारे हाथ में ये रजिस्ट्रेशन दिए हैं और जो पता लगा कि ये फ्रॉड हैं, इनका कोई मतलब नहीं है और हम कल से ही बहुत ज्यादा परेशान हैं। क्या चाहते हैं सरकार? जी भाई यही मैं सरकार से भी चाहता हूँ और अपने भाइयों से, अगर जो कोई भी मुझे देख रहा है, मैं चाहता हूं किसी भी बस वाले से या किसी से भी अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं तो उसकी फुल जानकारी ले लें। जो आज मेरे साथ हुआ है कल किसी के साथ ना हो, कोई परेशान ना हो मेरा भाई मेरी तरह। तो आप देख सकते हैं कि जिनके ये फेक रजिस्ट्रेशन हुई है ये बहुत परेशान है, प्रशासन का दरवाजा खटखटा रहे हैं जम्मू में और आज मिलने भी वाले हैं जो उच्च अधिकारी हैं, यहाँ डिस्ट्रिक्ट अधिकारी हैं, लेकिन इनको भी ये एहसास है कि उन्होंने गलती की। उन्होंने जो नियम है, जो एक गाइडलाइंस है श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड के, कि जब भी पंजीकरण करवाना है तो वो एक डिजिग्नेटेड जो उनके जो ब्रांचेज हैं वहां पे करवाए, एक सिस्टमेटिक तरीके से करवाए, लेकिन इन्होंने नहीं किया। इन्होंने एक उसके बदले में ऑनलाइन के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाई जो कि फ्रॉड निकली और अब ये पछता रहे हैं। तो इनका भी ये कहना है बाकी लोगों से भी कि जब भी वो आगे पंजीकरण करवाएं तो वो डिजिग्नेटेड जो लोकेशंस हैं या जो ब्रांचेस हैं, जो श्राइन बोर्ड की ब्रांचेस हैं, उसमें करवाएं ताकि इनको कोई मुसीबत का सामना ना करना पड़े। और समीर हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारियों के साथ सीधे